राम राम। हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच मैं बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। छह माह के बाद अमावस्या का मतंगेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तन की भीड़। अमावस्या के अवसर पर पर्यटन नगरी खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सवेरे 4 बजे से देर शाम तक मंदिर परिसर में हर हर महादेव को उद्घोष गुंजायमान होते रहो। कोरोना संक्रमण के चलत भये लॉकडाउन के कारण 17 मार्च से खजुराहो के मंदिर खां बंद कर दो गो तो। इसके बाद लॉकडाउन खुलबे और मंदिर के खुलबे पे देसी पर्यटकन खां खजुराहो आवो शुरू कर। मतंगेश्वर मंदिर आम लोगन के लाने खुलबे के बाद 16 अक्टूबर शुक्रवार खां 6 माह में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अमावस्या के दिन श्रद्धालु पहुंचे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव सागर तालाब में डुबकी लगाई और फिर भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक भी करो। नवरात्र में नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगन का लेके हड़ताल शुरू कर दी, जिसे लोगन के लाने मुसीबत पैदा हो गई। शहर के मुख्य मार्ग से लेके गलियां जो है कचरा से भरी पड़ी, जिन्हें देख के भी जिला प्रशासन नजरअंदाज कर रहा। इसके बाद जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें यह लेके ठोस कदम नहीं उठाओ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के सदस्य अपनी मांगन का लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। सफाई यूनियन के शहर अध्यक्ष सतीश बाल्मीक जी ने बताया है कि नगर पालिका के सफाई कर्मी लंबित मांगे लेके कई महीनों से अधिकारियों का ज्ञापन सौंप के लंबित मांगन को निराकरण का लेके अवगत करा रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के उदासीन रवैया के चलत भय मांगन का पूरा नहीं करूंगा। जहाँ खबर टीकमगढ़ जिला की है जो बहुत गंभीर है, उतने घोटक ने कही है भारत में पैसा लगावे को अब सबसे अच्छा समय। ई कॉमर्स मेडिसिन और कंज्यूमर समेत 5 सेक्टर में निवेश करने में फायदा होगा। एशिया के सबसे अमीर बैंकर कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने कही है कि विदेशी निवेशकन के लाने भारत में निवेश करने को जो सबसे अच्छा समय। विदेशी निवेशकन को भारतीय डिजिटल की कंज्यूमर सेगमेंट की कंपनियों में निवेश करो चाहिए। कहे की कोरोना वायरस महामारी के बाद जिस सेगमेंट जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे। ई कॉमर्स पे सिकंजा, प्रोडक्ट कहाँ बना है ना बतावे पे Amazon Flipkart समेत अन्य ई कॉमर्स कंपनियों का नोटिस। मंत्रालय ने मांगो 15 दिन में जवाब। फेस्टिवल सेल शुरू हो चुका है और ई बी शुक्रवार खां केंद्र सरकार ने Amazon Flipkart समेत अन्य ई कॉमर्स कंपनियों का कारण बताओ नोटिस जारी करो। सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों का अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट में ओरिजिन ऑफ कंट्री यानी कि वो प्रोडक्ट किस देश में बन रहा है उनको नाम नहीं दिखावे के चलत पर नोटिस जारी करो। बॉलीवुड से बड़ी खबर, निहूदा ब्यास शादी की खबरों के बीच नेहा कक्कड़ ने रोहन प्रीत के संगे शेयर करी पहली अपनी प्यार की तस्वीर। सिंगर की डायमंड रिंग ने खींचो हर कोई को ध्यान। नेहा कक्कड़ इन दिनों राइजिंग स्टार फेम रोहन प्रीत सिंह से रिश्ते और शादी की खबरन के चलत में सुर्खियों में बनी है और एक दौरान अब नेहा रोहन प्रीत से रिश्ता का ऑफिशियल करत भय फैंस के लाने लगातार शादी की हिट छोड़ रही। हाल में सिंगर ने अपने अपकमिंग गाना निहूदा ब्याह को पहलो लुक शेयर करो है, जिसका देख के हर को कंफ्यूज है कि नेहा वाकई शादी कर रही है या फिर जब शादी खबर और सोशल मीडिया पोस्ट महज गावे के जो गाना है उसको प्रमोट करने को कानून नहीं नौ तरीका है। एक कंफ्यूजन के बीच अब नेहा रोहन प्रीत के संगे पहली तस्वीर उन्हें शेयर कर दी। गलत बयान को असर, आदित्य नारायण के दिवालिया होवे की अफवाह से इंडस्ट्री के दोस्तों ने बढ़ाओ मदद को हाथ। खुश होकर होस्ट बोले देख के अच्छो लगो के वाकई में फिक्र करत है। इंडियन आइडल होस्ट सिंगर और एक्टर आदित्य नारायण जी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिवालिया होवे की बात से हर कोई का हैरान कर दो। एक्टर ने कही थी कि लॉकडाउन के दौरान उनकी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी है और अब उनके पास अकाउंट में महज 18,000 रुपया बचे हैं। इंडिया के पॉपुलर होस्ट की ऐसी हालत देख के हर को हैरान तो हालांकि बातचीत भई है तो आदित्य और उनके पिता उदित नारायण जी ने महज मजाकिया स्टाइल में कही बात बताई गई। ऐसी कुछ खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल से शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहे। जयराम जी।